To all of you, today we will discuss about parts of a plants. जैसा कि इससे पहले हम आपको चैप्टर वन साइंस का चैप्टर वन जो कि पढ़ाए थे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, और लिविंग थिंग्स के बारे में हम आपको बताए थे कि लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, जो विकास करते हैं, वो लिविंग थिंग्स होते हैं। तो ठीक, आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो चैप्टर टू है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो एक आज का टॉपिक है, उस टॉपिक में जो भी चीज है, प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग्स है। जैसे हम आप एक लिविंग थिंग्स है, हम लोग भी खाते हैं, पीते हैं, बढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, तो हम लिविंग थिंग्स है। ठीक उसी प्रकार प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग्स है। वो भी एक सीड से रूट बनता है, रूट से रूट्स बनता है, और रूट से एक प्लांट्स बनता है। तो वो भी हमारे आपकी तरह प्लांट्स भी बढ़ते हैं। तो जैसा कि आज हम आपको प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में बताएंगे, जिस तरह से आपका शरीर एक हर पार्ट का कुछ न कुछ काम होता है, आपके शरीर का हर एक पार्ट का कुछ न कुछ काम होता है, इसी प्रकार प्लांट्स के हर एक पार्ट का कुछ न कुछ काम होता है। जैसे फर्स्ट सॉइल, ये एक सॉइल है। सॉइल में हम एक सीड डाले, सीड से प्लांट हुआ। प्लांट जब होता है, प्लांट जो हुआ, सीड जो सीड डाले वो एक प्लांट बन गया, और जो प्लांट बन के तैयार हो गया, ये प्लांट जो बन के तैयार हो गया, वो प्लांट जो नीचे का हिस्सा हो गया, वो रूट हो गया, नीचे का जो सॉइल के नीचे का जो हिस्सा हो गया, सॉइल के नीचे का जो हिस्सा हो गया वो रूट हो गया, और सॉइल के ऊपर का जो भाग है वो शूट हो गया। सॉइल के नीचे का जो हिस्सा है वो क्या हो गया, रूट हो गया, और सॉइल के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो शूट हो गया। तो रूट क्या होता है, व्हाट इज रूट? रूट गिव सपोर्ट, रूट जो है गिव सपोर्ट एंड टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट का काम है सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को लेके प्लांट को सपोर्ट करना। जो पौधा होता है वो रूट के सहारे ही सीधा खड़ा होता है, और रूट का काम है मिट्टी को जकड़ के पकड़े रखना। जिससे वो जकड़ के पकड़े रहेगा तो प्लांट जो है सीधा खड़ा होगा, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रूट का काम क्या है, गिव सपोर्ट एंड टेक वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से वाटर और मिनरल्स लेके प्लांट्स को देना, जिससे उसको सपोर्ट मिलता है। रूट समझ गए होंगे, रूट की बात है ऊपर का जो भाग होता है सूट। सूट क्या होता है, तो सूट होता है स्टेम, सूट होता है सॉइल के नीचे वाला हिस्सा, रूट हुआ। सॉइल के ऊपर वाला जो भाग है वो सूट हुआ। सूट में क्या होता है, सूट में है स्टेम, सूट में आता है स्टेम, फ्रूट, लीव्स, फ्लावर। स्टेम, फ्रूट, लीव्स, फ्लावर। सॉइल के ऊपर वाला जो हिस्सा सूट है, सूट में स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, लीव्स, ये सब सूट में आते हैं, ये सूट है। और सूट में जैसे हर पार्ट का काम होता है, जैसे आपके आंख का काम क्या है, देखना, और कान का काम क्या है, सुनना। ठीक उसी प्रकार स्टेम का काम है तना का काम है कैरी वाटर एंड फूड टू ऑल प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स। कैरी वाटर एंड फूड, स्टेम का काम है फूड एंड वाटर को कैरी करके प्लांट्स के विभिन्न हिस्सों में भेजना। और उसके बाद है फ्रूट कंटेन्स सीड। फ्रूट का काम है सीड को शामिल करके रखता है। फ्रूट का हर एक पौधे या फिर कोई भी चीज का अपना इच्छा होता है कि मेरे जैसा ही एक और प्लांट हो, इसके लिए वो अपने फल के अंदर बीज को छिपाए रखता है, और अपना जैसा पौधा उससे देने की क्षमता रखता है। किसका, फ्रूट का। उसके बाद चलते हैं फ्लावर
फ्लावर प्रोड्यूस सीड एंड फ्रूट. फ्लावर का काम है, फ्लावर का काम है प्रोड्यूस सीड एंड फ्रूट. फ्लावर का काम है, फ्लावर से हमें फ्रूट मिलता है, फ्लावर से मुझे फ्रूट मिलता है. एंड लीव्स, लीव्स का काम है मेक फूड फॉर द प्लांट्स, मेक फूड फॉर द प्लांट्स. लीफ मतलब पत्ता का काम है जो पौधे के लिए भोजन बनाता है, वो एक किचन का काम करता है. कौन? लीफ. जो पत्ता होता है वो प्लांट्स के लिए, पत्ता होता है वो प्लांट्स के लिए भोजन तैयार करता है. तो रूट और सूट आप समझ गए होंगे. अब हम रूट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. जो रूट के बारे में हम बताएंगे, तो रूट, रूट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. रूट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टैप रूट्स और सेकेंड होते हैं फाइबर्स रूट. जो टैप रूट्स होते हैं, जो टैप रूट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं. जो टैप रूट्स है, टैप रूट्स है इसका आप देख रहे हैं, एक मेन जो प्लांट्स होता है उसकी बगल से छोटा छोटा टैप रूट्स में छोटा छोटा टीनी रूट्स निकलता है. ये एक टैप रूट्स है. आप इसे ध्यान से देखेंगे, ये एक टैप रूट्स है. देखिए ये वाला हिस्सा जो है, जो दिख रहा है, ये टैप रूट्स है ना. जैसे एग्जांपल मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों का पेड़ आप देखेंगे तो एक मेन रूट रहता है, उसके बगल से छोटा 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 रूट सब निकलता है ना, तो वो टैप रूट्स हुआ. और इस तरह का जो प्लांट्स होता है इसमें देखते हैं बहुत छोटा छोटा छोटा, ये बहुत सारा हिस्सा निकला हुआ, ये हो गया फाइबर्स रूट. ये कौन सा रूट है? फाइबर्स रूट है. ठीक है, तो आज आप ये दोनों चीज समझ गए रूट के बारे में. रूट दो तरह के होते हैं, टैप रूट्स एंड फाइबर्स रूट. टैप रूट्स में क्या होता है, जैसे मस्टर्ड, और फाइबर्स रूट में क्या होगा, जैसे ग्रास. ठीक है, तो ये आप समझ गए, रूट समझ गए होंगे. रूट के ऊपर स्टेम, सॉरी रूट के ऊपर जो होता है सूट, सूट में क्या सब आता है, सूट में स्टेम होता है, फ्लावर होता है, लीफ होता है, फ्रूट होता है. ये सब ऊपर सॉइल के ऊपर वाले हिस्से को सूट कहते हैं, और सॉइल के जो नीचे वाले हिस्से होते हैं उसको हम रूट कहते हैं. तो आप ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आज समझ गए होंगे, इसका फंक्शन समझ गए होंगे, जो किस तरह से स्टेम, स्टेम का काम क्या है, स्टेम का काम है वो एक फूड पाइप की तरह होता है, और उसका काम है प्लांट्स के विभिन्न भागों में भोजन भेजना, पानी भेजना. लीफ का काम है एक किचन का काम करना, प्लांट्स के लिए किचन का काम करना. जिस तरह आप भोजन किचन बना के आप खाते हैं, ठीक उसी प्रकार लीफ भी होता है, वो भोजन बना के देता है. भोजन कैसे बनाता है, जब तक वो हरा रहता है तभी वो प्लांट्स को भोजन दे सकता है. अगर वो सूख जाएगा तो प्लांट्स को भोजन नहीं दे पाएगा, क्योंकि हरा पत्ता जो होता है उसमें स्टोमाटा होता है. स्टोमाटा जो आप माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, अन्यथा आप नहीं देख सकते हैं. आप जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो उसमें छोटा छोटा आपको लिम्ब छेद दिखाई देगा, जिसके थ्रू वो सांस लेता है. सांस लेता है तो क्या देता है, ऑक्सीजन मुझे देता है, ऑक्सीजन मुझे देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं वो उसे ले लेता है. तो ग्रीन रहेगा तभी वो काम कर पाएगा, अन्यथा वो काम नहीं कर पाएगा. तो कुछ आपको होमवर्क हम देते हैं जो इस प्रकार है. जो होमवर्क आपको है तो देखिए, अब स्टेम, स्टेम का काम किस तरह से होता है. तो आप एक जार ले लेंगे, जो आपके घर में खराब बर्तन होगा या फिर डब्बा होगा उसको कट कर लेंगे. कट करने के बाद एक छोटा सा प्लांट ले लेंगे, उस प्लांट को इस प्रकार कलर करने वाले कलर, पानी रख के इसमें कलर डाल देंगे, पानी रख के इसमें थोड़ा सा कलर डाल देंगे, और इस तरह से ये प्लांट इसमें डाल देंगे. तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये जो स्टीम है, स्टीम जो है प्लांट्स के विभिन्न हिस्सों में कैसे पानी पहुंचा रहा है, कैसे भोजन पहुंचा रहा है. तो एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देखेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि स्टीम किस तरह से पानी लेके विभिन्न हिस्सों में भेजता है, भोजन भेजता है. ठीक है, ये आज का होमवर्क है आपका आज के लिए.